रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों से सजी सजावट देखी, सालों साल देखा है माँ बाप को, सालों साल देखा है माँ बाप को, ना उनके चेहरे पर कभी थकावट देखी, ना उनकी ममता में कभी मिलावट देखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डोंट गिव अप पर। और आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ एक नई कहानी, एक रोचक कहानी, दो यात्रियों की कहानी, दो जल यात्रियों की कहानी, दो भटके हुए लोगों की कहानी और उनके रिश्तों की कहानी। तो होता यह है, पिता और पुत्र निकल जाते हैं जल यात्रा के लिए। जल यात्रा के लिए निकलने के बाद वो बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर जाते जाते वो लोग समुद्र में भटक जाते हैं। भटकते भटकते उनका जो निवास स्थान होता है वो उनको पता नहीं होता, और फिर कहीं दूर उनको दो टापू दिखते हैं। वो सोचते हैं उस टापू की ओर बढ़ते हैं और टापू पर पहुंचते हैं, लेकिन टापू के पास पहुंचते पहुंचते उनकी नाव टूट जाती है। पिता पुत्र जैसे तैसे टापू पर पहुंचते और डिसाइड करते कि एक टापू पर पिता तपस्या करेंगे या भगवान को प्रार्थना करेंगे, और एक टापू पर पुत्र तपस्या करेगा भगवान को कि हमको यहाँ से बचाइए। और दोनों अपने भगवान के विश्वास को लेकर एक टापू पर चले जाते हैं। वो टापू पे जाने के बाद सबसे पहले पुत्र जब टापू पे जाता है और भगवान को बोलता है कि भगवान मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो, और भगवान को बोलता है कि यहाँ सब पेड़ पौधे उगा दो ताकि मैं फल वगैरह खा के जी सकूं। और वैसे ही होता है, पेड़ पौधे फल उग जाते हैं। फिर ये होता है कि पुत्र फिर सोचता है कि भगवान से एक स्त्री को बुलवा लो यहाँ ताकि मैं अपना जीवन अच्छे से यहाँ बिता सकूं। फिर वो बोलता है कि भगवान अब मेरे को रहने तो दिया, मैं यहाँ पर अपना समाज बढ़ा सकूं, अपने परिवार को बढ़ा सकूं, एक स्त्री ला दो। और भगवान एक स्त्री ला दो। बहुत खुश होता है वो पुत्र और सोचता है कि क्यों ना अब मैं भगवान को ये बोलूं कि एक ऐसी चीज की व्यवस्था करवा दो ताकि मैं अपने घर चले जाऊं, एक बड़ी नाव आ जाए। और वैसे ही होता है, नाव प्रस्तुत हो जाती है और पुत्र उठता है वहां से, अपनी भार्या को लेता है और नाव की ओर बढ़ता है, नाव की तरफ चलता है। और जैसे ही नाव में चढ़ने जाता है अपनी भार्या के साथ, तो भगवान प्रकट होते हैं, बोले तेरे पिता। तो पुत्र बोलता है पिता भी तो तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं आए, उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, शायद इसलिए नहीं आए। देखो मैंने आप जो जो मांगा वो सब आपने मुझे दे दिया। तो भगवान बोलता है मूर्ख आदमी, तेरे पिता ने ये बोला कि मेरा बेटा जो वहां पे फंसा हुआ है उसकी रक्षा करो, मेरा क्या, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, लेकिन उसका तो शुरुआत है भगवान, उसकी मदद करो। और उसकी दुआ आप तेरे लिए काम आई, और उसके तेरे पिता की दुआ के लिए मैं तुझे लेने आया मूर्ख आदमी। तो दोस्तों कहानी का मतलब ये कि आज हम अपने माँ बाप की अगर कदर नहीं करेंगे और अपने माँ बाप को नहीं समझेंगे तो हम उनको कभी खुश नहीं रख सकते। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, हम उसको कभी समझ नहीं पाते। आज हम उन माँ बाप की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि माँ बाप हमें क्यों बोलते हैं, माँ बाप ऐसा क्यों करने कहते हैं। हम बोलते हैं दिन भर हमारे पीछे लगे रहते हैं, उन्होंने इस जीवन को जिया है, उनके अनुभवों को तुम्हें देते हैं, उन अनुभवों से तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो परेशानियां उन्हें हुए तुम्हें ना हो, और हमेशा तुम्हारे लिए समर्पित होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में माँ बाप के लिए समर्पित लोगों की संख्या इतनी, समर्पित लोगों की संख्या कम है, इसलिए तो इतने सारे आश्रम बने हुए हैं। आज दिन ब दिन भारत में आश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि आज के पुत्रों में संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो इस चीज को बदलने के लिए हमें आज समझना पड़ेगा, अपने माँ बाप को समझना पड़ेगा। माँ जो बोला जाता है संस्कृत में कि मातृपितृ कमलोभ्यो, माता पिता के कमल ये पग ये कमल के फूल के समान है, तो इस बात को समझना होगा। जय हिंद दोस्तों।